जय आयुर्वेद। नमस्कार मित्रों, आज एक और बहुमूल्य औषधि जड़ी बूटी लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पौधा है, एक छोटा पेड़ रूप में है। इसका जो स्वरूप है, आप इसको थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको दिखाएं, वहाँ से जड़ से लेके इसका जो पेड़ है वो इस प्रकार से है। ये इसका जो पेड़ है, इस औषधीय पौधे का जो नाम है वो है नील। नीलिनी भी से शास्त्रों में जो है वो कहा गया है, और इंडिगो फिरा टिंक्टोरा जो है वो इसका बॉटनिकल नाम है। पहाड़ी भाषा में जिला बिलासपुर में हमारे घुमारवीं क्षेत्र में इसे काथी घास बोलते हैं, काथी घा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखिए मैं दिखाऊंगा। इसमें इस तरह के जो हल्के से नीले और गुलाबी रंग के फ्लावर्स लगते हैं, ये एक फ्लावर इसमें जो है वो बचा है, बाकी इसमें सारी ये फलियाँ निकल आई हैं। थोड़ा सा इसका फ्लावरिंग जो सीज़न है वो थोड़ा ऑफ हो चुका है, और इस इन फूलों की जो है वो यहाँ स्थानीय लोग सब्जी बनाते हैं। हमारे स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं, एक पकवान है भल्ले जिसे बोलते हैं, वो भल्ले भी इसके बनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिंस है। शास्त्रों में जो है वो इसे दाह शामक के रूप में, यानी कि आपके शरीर में कोई जलन संबंधी कोई समस्या हो रही है उसको ये शांत करता है। पित्त शामक है, आंखों के लिए जो है ये हितकारी है, और आपके केश रंजन बालों के लिए जो है वो एक डाई कलरिंग मटेरियल का भी काम करता है, और केश वर्धक भी है। ये केश का जो है हमारे बालों को जो है वो बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ भी करता है। तो ये थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं, ये इस तरह से जो है ये इसके पत्ते हैं, ये इसकी टहनी है पूरा, और ये पत्ते इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से पत्ते हैं इसके। जैसे आंवला वृक्ष के पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा साइज में है। तो ये एक जो है वो ट्रेडिशनल तौर पे यहाँ पे जो है वो ज़िला बिलासपुर में इसको इसकी सब्जी के तौर पर जो है वो इसे प्रयोग में करते हैं। बकरियाँ जो हैं वो भेड़ और बकरियाँ इसके पत्तों को, फूलों को, टहनियों को जो है वो बड़े चाव से खाती हैं। ये भी एक जो है वो उनके लिए निरोग जो औषधि का काम करता है, और उनके लिए भोजन का काम भी करता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अहम जो तथ्य है वो यह है कि हम इस औषधीय पौधे को पहचानें। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया काथी घा, ये हमारे पूरे ज़िला बिलासपुर के जितने भी नदी नाले के किनारे या घासनियाँ इत्यादि होती हैं वहाँ पे ये उगता है। इसकी पहचान करें, इसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो आयुर्वेद की इस जो ज्ञान कोष है इसका आप भंडार करें। तो ये काथी घा। इसी के साथ नमस्कार, जय आयुर्वेद।